आई वॉज वेरी अपसेट, एक्सट्रीमली अपसेट, टू द पॉइंट के मैं अल्लाह ताला से नाराज हो गया। मैंने कभी मैंने मतलब मेहनत भी किया तो मेहनत ना की होती ना, मेहनत भी बहुत की है, दुआएं भी मांगी, कभी जिंदगी में दुआएं नहीं मांगी ना नमाज पढ़ी, अब मैंने पढ़ी है, ठीक है, गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी है लेकिन नहीं कबूल हुई। अगर माँ हेट करती होती ना, कहती पुत्र लगा चल लगा, बहुत शौक है ना, लगा पकड़ देते और उसका हाथ घुसा देते, फिर कहते मेरा हाथ जल गया। यकीन जाने हमें लगता है कि नहीं नहीं अगर वो नहीं मिली तो बस जिंदगी खत्म। तुझे क्या मालूम कि वहां मिल जाती तो क्या होता, मिल जाता तो तू और रोता कि या अल्लाह ये किसके मत लगा दिए मुझे। मेरा ख्वाब था पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना, एक्चुअली एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरा ख्वाब था, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान आर्मी थी, और ये इसलिए बिकॉज माय फादर वाज इन द आर्मी, माय ग्रैंडफादर वाज इन द आर्मी, लेफ्ट राइट सारे मेरे फैमिली में ना फौजी हैं, तो मैं तो पला बड़ा ही फौजियों के अंदर था। आपको पता है जब आप एक फौज के लाइफस्टाइल से अकस्टम हो जाते हो फिर आपको ना ये होता है कि इजी रूट यही है कि बस इसी में रहो आप, बाहर ना निकलो। तो मैं इसके बारे में बड़ा पैशनेट था, हालांकि दीन पे इतना नहीं था लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मेरी बख्शिश हो सकती है, अव्वल तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि बख्शिश का कोई मामला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरी बख्शिश हो सकती है तो शायद मैं शहीद हो जाऊँ तो अल्लाह माफ़ कर दे। यकीन जानिए दिस वॉज माई थाट प्रोसेस कि द रीज़न वाई, वन ऑफ द रीजन वाई आई वॉन्ट टू जॉइन द आर्म फोर्सेज वॉज के शहादत की मौत नसीब हो जाए, क्योंकि वैसे तो मेरे करतूत ऐसे हैं कोई नहीं कि जहाँ पे कोई बख्शिश का मामला हो, ना नमाज है ना कुछ है, लेकिन शायद अल्लाह ताला कबूल कर ले, यू नो दिस वॉज माई थॉट। तो हुआ ये कि जब मैंने इसके लिए अम्मी को राज़ी करने की कोशिश की डिस्पाइट गिविंग एवरी टेस्ट एंड क्लियरिंग द एग्जाम्स एंड ऑल दैट, अम्मी ने मना कर दिया, समाज की जालिम दीवार बन गई कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेरा बच्चा फौज में नहीं जाएगा। नाउ दैट लेफ्ट मी वेरी होपलेस कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा बेटा बस कुछ भी और करो लेकिन ये नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो नेचुरली आई डू इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में चला गया बड़े दुख के साथ। और इंजीनियरिंग में भी मेरा जो ख्वाब था वो ये था कि या तो मैंने GIK जाना है, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट, या फिर NUST, देर वॉज नो थर्ड ऑप्शन। दुआएँ भी बहुत मांगी, जिंदगी में कभी इतनी दुआएँ नहीं मांगी जितनी GIK के टेस्ट से पहले मांगी है, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ। एंड आई वॉज वेरी अपसेट, एक्सट्रीमली अपसेट, टू द पॉइंट के मैं अल्लाह ताला से नाराज़ हो गया। मैंने कभी मैंने मतलब मेहनत भी किया तो मेहनत ना की होती ना, मेहनत भी बहुत की है, दुआएं भी मांगी, कभी जिंदगी में दुआएं नहीं मांगी ना नमाज पढ़ी, अब मैंने पढ़ी है, ठीक है, गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी है लेकिन नहीं कबूल हुई। उसके बाद मैंने अम्मी अबू ने बड़ा समझाया, नहीं चलो कोई बात नहीं बेटा NUST के लिए ट्राई करो, यू स्टिल हैव सेकंड ऑप्शन। NUST के लिए मैंने ट्राई किया, फिर मेहनत भी बहुत की, दुआएं भी बड़ी मांगी, NUST में भी नहीं हुआ। और वर्स्ट केस पता क्या था, वर्स्ट केस ये था कि जो क्लास के नालायक कुछ लड़के थे उनका हो गया। तो मुझे बड़ा हुआ कि यार व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस इज दिस, यू नो। और GIK में भी नहीं हुआ, NUST में भी नहीं हुआ। उसके बाद तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि बेटा चलो फास्ट के लिए ट्राई कर लो, बस आखिरी बेटा, बस हमारी बात मानो बेटा, उसके बाद चाहे ना करना बस फास्ट के लिए कर लो ट्राई। फिर मैंने मेहनत की, फिर मैंने एग्जाम की स्टडी, फास्ट के लिए ट्राई किया, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी भी सैड स्टोरी नहीं है, इतनी भी सैड नहीं, ठीक है, बल्कि फास्ट का एंट्री टेस्ट मैंने टॉप किया था, ठीक है। तो जब मैं वहां गया अकाउंट्स ऑफिस, वो जो भी होता है, उन्होंने कहा कि सर कांग्रेचुलेशन, आपके तो हाईएस्ट नंबर आए। मैं कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी ना आते तो क्या बात है। तो उस वक्त से प्रैक्टिस ही लगा हुआ, शुक्र है आप आ गए, ठीक है ना। तो anyway, तो वहाँ पे हुआ, लेकिन हो ही रहा था कि जब मैं दाखला मेरा हुआ हुआ है, मैं वहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन ना एक दो सेमेस्टर लगाने के बाद मुझे आईडिया हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त थे जो GIK में NUST में थे, वो ना वहाँ से पिक्चर्स भेज रहे हैं कि यार GIK के कैफेटेरिया की क्या ही बात है यार, NUST की चाय जो है ना उसका कोई जवाब नहीं है, कहीं पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ऐसी चाय नहीं मिलती। तो मैं अंदर अंदर से सड़ता रहता था सारा दिन। तो ऑल्दो मैं आ गया था फास्ट में एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है दाखिला हो गया, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, नो प्रॉब्लम, बट इन माई हार्ट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज इट वॉज माई थर्ड ऑप्शन। सो मैंने अम्मी अबू से फिर बहस की, झगड़ा किया कि भाई मैंने यहाँ पाकिस्तान में रहने नहीं है, इस जिल्लत से तो मौत अच्छी, मुझे आप बाहर जाने दें खुदा का वास्ता, ठीक है, मैंने बहुत यहाँ पर ट्राई कर लिया है, फास्ट में हो गया है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ना वो जो उनके ई मेल्स है ना, मैं उनको बंद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू जस्ट लीव दिस कंट्री। और फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया मास्टर्स के लिए, वहाँ से मास्टर्स किया, फिर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करता रहा, फाइनली जो है ना हालात ने मुझे मौलवी बना दिया।
और फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मौलवी बन के आया, और फिर ये हो गया, मैंने कहा चलो आप मौलवी बन ही गए तो चलो यही पढ़ा लेते हैं लोगों को, ठीक है। तो मैंने सीखना शुरू कर दिया, दो साल उसमें लगा रहा, फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। तो हुआ ये कि फिर ना लोगों की तरफ से इन्विटेशन आना शुरू हुआ। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डिलीवर्ड मे बी आई डोंट इवन नो नाउ, मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट मे बी ओवर 4,000 to 5,000 पब्लिक टॉक्स, ठीक है। सो मुझे याद है शुरू में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे ना मुझे काफ़ी जगह से इन्विटेशन, और मैंने आपको पता है ये जो भी मैं आपको टॉक्स बता रहा हूँ इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट किया हो कि प्लीज़ मुझे टॉक करने दें। एवरी सिंगल टाइम इट हैज़ बिन थ्रू इन्विटेशन। जैसे आइडियाज़ ने कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा जी मैं हाजिर, ठीक है। सर ऐसा माशाल्लाह जब भी मुझे इन्वाइट करते हैं मैंने कभी इनको रिफ्यूज़ नहीं किया, मैं हमेशा कहता हूँ हुक्म करें सर मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। अच्छा हुआ क्या कि GIK से इन्विटेशन आया कि वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा जी वो इन्विटेशन आ गया तो चलते हैं। फिर हम लोगों ने जो ना, हम लोग चार पांच लड़के थे मेरे ख्याल है, गाड़ी में हम लोग बैठे, हम लोग रवाना हुए GIK के लिए। और आप यकीन करें कि GIK में जब मैं दाखिल हुआ ना, तो जो प्रोटोकॉल था अल्लाह अकबर, यानी फूलों के वो गुलदस्ते और वो प्रोटोकॉल, और उनके डीन आए हुए हैं, HODs आए हुए हैं, क्योंकि वो है भी टोपी की जगह वहाँ पे वेरी फार हुए। सो वहाँ पे जाके जब मैं गया हूँ तो जिस प्रोटोकॉल से उन्होंने वेलकम किया, सारे उनके जो है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, इतना आलीशान प्रोटोकॉल। और उसके बाद जब मैं हॉल में गया तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स भरे हुए माशाल्लाह। और उसके बाद जब मैंने टॉक शुरू की तो आपको पता है मैंने पहली बात क्या की, मैंने कहा मैं आपका एंट्री एग्जाम फेल हुआ था। एंड देन आई सेड के उसके बाद बस अल्लाह ताला ने दिल में जो ना बात डाल दी, मैंने कहा मैं यहाँ पढ़ने के काबिल नहीं था लेकिन आज पढ़ाने के काबिल हो चुका। मैंने कहा था ना दिस इज $1,000,000 एडवाइस जो मैं आपको दे रहा हूँ, लाइफ को चलाने की एडवाइस दे रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो मेरे दोस्त होते हैं इन पे एक तो खौफ नहीं होता और दूसरा काम नहीं होता। खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है और अल्लाह हमें हमारी माओं से ज़्यादा चाहता है, तो अल्लाह आपके साथ बुरा क्यों करेगा। और ये बात जान लें कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है और हमें लगता है कि बहुत मुसीबत है, परेशानी है, यकीनन उसमें से खैर निकलती है 100%। अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो ये मान जाओ कि अल्लाह ताला आपके साथ जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता। आपको लगता है कि कोई चीज़ बुरी है लेकिन वो बुरी होती नहीं है। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दिस इज़ योर कनेक्शन विद अल्लाह सुभान व तआला। जो आपके सोल की बात है ना वो है ये कि आप अल्लाह ताला पर तवक्कल करना सीखें, अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीखें। जब आप अल्लाह ताला पर भरोसा करेंगे और आप ये जान जाएंगे कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और अल्लाह कभी मुझे ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, बिलीव मी यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। द ओनली थिंग इज़, मैं आपको बता दूँ, आपकी ज़िंदगी में वर्स्ट केस सिनेरियो भी हुआ हो ना, वर्स्ट केस सिनेरियो, आपको इसमें तो खैर हो ही नहीं सकती, कैसे खैर हो सकती है, वल्लाही लज़ीम इसमें से भी खैर निकलेगी। एंड यू कैन सी सो मैनी एग्जाम्पल्स कि किसी की लाइफ में कोई सेटबैक आया है, कोई मुसीबत आई है, कोई प्रॉब्लम आया है और उन्होंने थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग उनको इस तरह चैनलाइज किया है कि वो उनकी सक्सेस का एक फैक्टर बन गया। सो दिस इज वेयर यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, देखो जितनी भी ये मुसीबतें आती हैं ना ये आपको ऊपर उठाने के लिए आती हैं, अल्लाह ताला आप पे जुल्म नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात जान लो कि जिंदगी के अंदर आप बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो किताबों से नहीं सीख सकते, उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस। इवन इफ दोज एक्सपीरियंसेस आर पेनफुल, आप वहां से गुजर के कुछ सीखोगे। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको पेन सिखाएगी, दैट पेन विल बिकम योर ग्रेटेस्ट टीचर इन लाइफ। एक बच्चा जो है वो हीटर को हाथ लगाने जा रहा है, छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का, हीटर को हाथ लगाने जा रहा है, हीटर जल रहा है, हीटर को हाथ लगाने जा रहा है, माँ उसके हाथ पे थप्पड़ मारती है, मत करो इस तरह। अब वो बच्चा रो पड़ता है, ये माँ ने जो थप्पड़ मारा है उसके हाथ पे, ये माँ की नफरत है या माँ की मोहब्बत है? बच्चा इसको क्या समझ रहा है? नफरत। माँ हेट्स मी, माई मदर हेट्स मी। अगर माँ हेट करती होती ना कहती पुत्र लगा चल लगा, बहुत शौक है ना, लगा पकड़ देते और उसका हाथ घुसा देते, फिर वो कहता मेरा हाथ जल गया, फिर माँ कहती हूँ आराम ही तो की। यानी अब देखें कि जो बंदा जिस एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है
उसकी उस टाइम पे वो भूल जाता है कि जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। माँ को बेहतर पता है कि जो बच्चा है जिस लिए उसने उसको हाथ पे मारा है अजियत हुई है, माँ को पता है अजियत हुई है उसको, लेकिन ये अजियत ये पेन ये तकलीफ छोटी है कंपेयर टू वो तकलीफ जो अगर ये कर जाता तो होती। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कभी कभार क्या होता है आप कहीं पे जॉब करना चाह रहे थे आपकी जॉब नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हो जाती तो पता नहीं क्या खराबी पैदा होती, हो सकता है अल्लाह माफ करे कोई हरासमेंट का केस आप पे हो जाता, मे बी यू गॉट हरास इन दिस वर्क प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह आप पे नहीं हुआ। हो सकता है आप किसी जगह पे आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, मे बी पास होते तो आपका करियर कहीं और चला जाता, कहीं पे आप रिश्ता करना चाह रहे थे वहां नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम इसी में खैर है, हो जाता तो शायद वर्स्ट केस होता। यकीन जाने हमें लगता है कि नहीं नहीं अगर वो नहीं मिली तो बस जिंदगी खत्म, तुझे क्या मालूम कि वहां मिल जाती तो क्या होता, मिल जाता तो तू और रोता कि या अल्लाह ये किसके मथे लगा दिए मुझे। सो ट्रस्ट अल्लाह, आपका जो सोल है ना जब आपका रिलेशनशिप अल्लाह ताला से अच्छा होता है ना देन यू आर एट पीस। एंड फाइनली आई विल कंक्लूड विद दिस आया फ्रॉम द कुरान जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू वतआला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह ताला के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है।